So hi everyone and welcome to my channel. तो आज का जो मैंने टॉपिक उठाया है वो उठाया मैंने सम इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशनस हैं उनके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी बाकी आप सबको पता है कि दे आर ब्यूटीफुल वो सब तो वहाँ पर ये सब नहीं पूछा जाएगा कि कौन कितना ब्यूटीफुल है बट वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे अबाउ मतलब फैक्ट्स जो उसके इनके रिलेट फैक्ट्स हैं वही पूछे जाएंगे किसने क्या बनाया कब बनाया डेट जो है ये याद रखना है तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आ, डल लेक से तो जो डल लेक है उसको कहा तो जो डल लेक है उसको कहा जाता है जिवल ऑफ कश्मीर ठीक है उसको कहा जाता है जिवल ऑफ कश्मीर या फिर आइकन ऑफ कश्मीर तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जीवल ऑफ कश्मीर या फिर आइकन ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं वो कहते हैं डल लेक को उसके बाद जो ये डल लेक है ये तीन रिजन्स में डिवाइड किया गया है गगरीबल लकुट डल एंड बोड डल बोड डल तो लकुट मतलब कि स्मॉल बोर्ड का मतलब हो गया लार्ज तो ये तीन आपको रीजन याद रखने हैं उसके बाद आ, आपने देखा होगा जो डल लेक में जिन्होंने विज़िट किया होगा तो वहाँ पे आ, सेंटर में चार चिनार है चार एक आइलैंड है बेसिकली वो दो आइलैंड का बना हुआ है एक को कहते हैं सोना लांक दूसरे को कहते हैं रूपा लांक तो इसका मतलब हो गया गोल्ड आइलैंड इसका मतलब हो गया सिल्वर आइलैंड ठीक है हो गया डल लेक के बारे में तो डल लेक के बारे में आपको ये चीजें याद रखनी हैं फिर आता है नेक्स्ट तो फिर आता है नेक्स्ट मुग़ल गार्डन जो मुगल गार्डन्स है मुगल गार्डन सबसे ब्यूटीफुल माना जाता है जितने भी गार्डन्स हैं उनमें से सबसे ब्यूटीफुल माना जाता है शालीमार को तो शालीमार कब बना था शालीमार वाज बिल्ट इन 1616 बाय जहांगीर तो किसके नाम पे क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था उस टाइम पर मतलब जो ये एम्पियर होते थे मुगल एम्पियर होते थे वो अपने वाइफ के नाम जो है कुछ भी डेडिकेट करते फॉर इंस्टेंस आप ताजमहल को ले लो वाइफ के नाम वो डेडिकेट है उसी तरह से जहांगीर जो है उन्होंने जो ये शालीमार है वो किसके नाम किया था वो किया था नूर के नाम तो ये बेसिकली फोर टेरेस में डिवाइड है जो, जो लोग आप विजिट कर चुके हैं तो आप लोगों को पता होगा इट्स डिवाइड इनटू फोर टेरेस जो सबसे फोर्थ टेरेस है उसको कहा जाता है अब ऑफ लव तो वहाँ पे जो एम्पर है वो वहाँ पर मतलब स्टे करते थे या फिर मतलब लेडीज़ का जो होता था ग्रुप होता वो वहाँ बैठता था हो गया यहाँ तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये कब बना है 1616 में और किसने बनाया है किसके नाम पे बनाया है तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे रहती हैं उसके बाद आता है सेकंड निषाद बाग निषाद बाग जो है वो सेकंड नंबर पे आता है नंबर फर्स्ट पे आता है शालीमार बाग नंबर सेकंड पे आता है निषाद बाग तो इसको गार्डन ऑफ़ जॉय भी कहा जाता है या गार्डन ऑफ डिलाइट तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि गार्डन ऑफ जॉय या फिर गार्डन ऑफ डिलाइट किस गार्डन को कहा जाता है तो ये कहा जाता है इस पर और ये सेकेंड नंबर पर आता है तो ये इट इज लोकेटेड इट इज सिटेड एट द ईस्टर्न साइड ऑफ द डल लेक डल लेक के ईस्टर्न साइड पे तो ये किसने बनाया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है ये बनाया था नूर जहाँ के बड़े भाई ने उनका नाम था आसिफ खान तो इस ये चीज़ आपको याद रखनी है किसने आसिफ खान ने बनाया था जो नूर जहाँ नूर मतलब जो जहांगीर है जहांगीर के वाइफ के ब्रदर ने बनाया था ये तो अगर हम इसके लेंथ और ब्रेथ की बात करेंगे लेंथ है इसकी 544 मीटर एंड ब्रेथ इसकी 329 मीटर हो गया ये फिर आता है नंबर थर्ड मुगल गार्डन में टूलिप गार्डन टुलिप गार्डन जो है ये कहाँ पे जो ज़बरवन माउंटेन रेंज कश्मीर में जबरवन माउंटेन रेंज है उसके फुट हिल्स पर ठीक है उसके जो फ़ुट हिल्स पर वहाँ पर स्टुएटड है ईस्टर्न डल लेक के ईस्टर्न साइड पे तो बेसिकली जो ज़्यादातर जो देखोगे आप मुगल गार्डन वो डल लेक के ईस्टर्न साइड पर है तो ये पाँच हेक्टेयर का है और इसमें लगभग वन मिलियन टुलिप्स हैं और सिक्सटी वराइटीज़ है सिक्सटी वराइटीज़ के टुलिप्स हैं टोटल कितने वन पॉइंट टू मिलियन अराउंड वन पॉइंट टू मिलियन ये किसने बनाया था ये बनाया था शराज ने शराज कौन थे शेराज थे जनरल डोगरा सॉरी शराज थे एक जनरल थे डोगरा जब डो, डोगरा रूल करते थे यहाँ पे तो उस टाइम के जनरल थे वो वन फिफ्टी ईयर्स बैक उन्होंने यहाँ पे ये यह बिल्ड किया था तो इसको पहले शराज गार्डन कहा जाता था बट अब इसको कहा जाता है इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन हो गया ये फिर लास्ट में आता है परी महल तो परी महल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और भी क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा बताया परी महल के बारे में ओके थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं परी महल के बारे में परी महल जो था वो सबसे पहले बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आपको पता होगा जहाँ पर बुद्धिस्ट जो है रिलीज रिलीजस जो होते हैं टीचिंग्स वगैरह वो करते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी पहले फिर उसके बाद दारा शिको जो थे दारा शिको कौन थे तो अगर आप परी महल जाओगे तो वहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ भी है कि किसने बनाया है दारा शिको ने बनाया बनाया कब बनाया, तो काफी डिटेल वहाँ पे लिखी गई है वो चीज़ें दारा शिको जो थे ही द शाहजहां के बड़े बेटे थे वो और उन्होंने इसको बना दिया कन्वर्ट किया स्कूल ऑफ में इन सेवनटीन सेंचुरी में इन सेवनटीन तो परि महल के बारे में हम आपको आ, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी तो इस लेक्चर में इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम और जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगी उसके बारे में पढ़ेंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग